नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। सेल्समैन बन घर घर राशन पहुंचा रहे शिक्षक, बोले मानवता की सेवा बड़ा धर्म। शिक्षक बोले शाम को घर में प्रवेश करते ही गर्म पानी से नहाते हैं ताकि परिवार रहे सुरक्षित। घर के मुख्य गेट से प्रवेश के साथ ही अब पहले गर्म पानी से नहाते हैं और खुद ही अपने कपड़ों को धोते हैं, इसके बाद ही घर के अंदर कमरों में जाते हैं ताकि खुद भी सुरक्षित रहे और परिवार के सभी सदस्य भी सुरक्षित रह सके। यह बात शनिवार को होलसेल भंडार में राशन वितरण के लिए लगाए गए प्रभारी व शिक्षकों ने बताई। शिक्षक यशपाल मिडान और इडपाल बताड़े ने है कि बता रहे हैं कि यहाँ वह ड्यूटी देने के बाद घर पर जाते हैं और चाय भी खुद बनाकर पी रहे हैं। इसके अलावा अपने कपड़े भी खुद ही धो रहे हैं ताकि खुद भी सुरक्षित रहे और परिवार भी सुरक्षित रहे। 12,000 शिक्षक और कर्मचारियों में से 7,000 दे रहे हैं अपनी सेवाएँ। प्रदेश के शिक्षकों को जहां है वहीं रहने के आदेश। 123 की रिपोर्ट नेगेटिव, 19 की शेष। रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों पर लॉक, क्योंकि यहां ढलान के कारण खड़ी रेल और कोच चलने लगते हैं अपने आप। जयपुर से आए प्रिंसिपल के पॉजिटिव मिलने के बाद निर्देश। कलेक्टर का आदेश, कर्मचारी और अधिकारी मोबाइल 24 घंटे ऑन रखे। सीमाओं पर बढ़ाई चौकसी, बाहरी के प्रवेश पर रोक। बाड़मेर लॉकडाउन व धारा 144 के चलते सभी तरह के वाहनों पर रोक है। वहीं रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के पहिए को लॉक बंद कर दिया है, क्योंकि ढलान की वजह से ट्रेनें और कोच अपने आप चलने लग जाते हैं। शिक्षा निदेशालय ने कहा, लंबी दूरी से यात्रा कर रहे शिक्षक लॉकडाउन को विफल कर रहे हैं। जो मुख्यालय नहीं आए उनको ड्यूटी से रखा दूर ताकि लॉकडाउन विफल नहीं हो। झालावाड़, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में शिक्षा विभाग के कार्मिकों की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसको लेकर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक सौरभ स्वामी ने निर्देश जारी किए हैं कि जो कार्मिक मुख्यालय से बाहर है उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाए। यदि उनकी ड्यूटी लगा दी गई तो वह जल्दबाजी में मुख्यालय तक आएंगे, जो इससे लॉकडाउन विफल होगा। प्रदेशों में विद्यार्थियों के लिए आज से स्माइल प्रोजेक्ट। लॉकडाउन के बावजूद प्रभावित नहीं होगी पढ़ाई। विषय आधारित 4-5 वीडियो मॉड्यूल तैयार होंगे। इसमें राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद के निर्देशन में कक्षा समूह आधारित ई कंटेंट विषय आधारित 4-5 वीडियो मॉड्यूल तैयार होंगे। इन्हें प्रतिदिन प्रातः 9 बजे पंचायत स्तर के शिक्षा अधिकारी PEEO के द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से विद्यार्थियों, अभिभावकों व शिक्षकों तक पहुँचाया जाएगा। कोरोना ने कॉलेजों में परीक्षा से पहले ही कराया ग्रीष्मकालीन अवकाश। जून के पहले सप्ताह में आयोजित होगी परीक्षाएं। शिक्षकों की आज से पोर्टल पर उपस्थिति। परीक्षा परिणाम विलंब होने के चलते अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। पाली, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक शाला दर्पण पर पोर्टल खुलेगा। कक्षा 1 से 8 व 9 व 11 के लिए उच्च कक्षा में प्रवेश के आदेश जारी। राज्य सरकार ने प्रदेश में कक्षा 1 से 8 एवं 9 व 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को आगामी उच्च कक्षाओं में क्रमोन्नति एवं प्रवेश के लिए पात्र किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन ने बताया कि इस समय किसी भी शिक्षण संस्थान में परीक्षा मूल्यांकन परख आदि गतिविधियों का आयोजन नहीं हो रहा है। एक बारी शिथिलन शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए ही मान्य होगा। 550 कर्मचारियों को मिलेगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा। रोडवेज कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 10% की बढ़ोतरी की है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नवीन जैन ने रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करते हुए 154% से 164% के आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार 1 मार्च 2020 से नगद एवं जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक 8 माह का एरियर जुड़ेगा। लॉकडाउन में मुख्यालय से बाहर गए कार्मिकों की शाला दर्पण पर आज 5 बजे देनी होगी हाजिरी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश, लॉकडाउन में लंबी यात्रा से बचे कर्मचारी झुंझुनू। माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निदेशक IAS सौरभ स्वामी ने कहा है कि केवल मुख्यालय पर उपस्थित कार्मिकों की ही ड्यूटी लगाए। लॉकडाउन में मुख्यालय से बाहर गए कार्मिकों को किसी भी तरह की ड्यूटी पर लगाए जाने से उन्हें मुख्यालय पर लौटने के लिए अनावश्यक लंबी यात्राएं करनी पड़ती है, जिससे लॉकडाउन का उद्देश्य विफल होता है एवं संक्रमण का खतरा बना रहता है। निदेशक ने कहा है कि सभी PEEO संस्था प्रधान कार्मिक जो वर्तमान में अपने मुख्यालय पर नहीं है, वे मुख्यालय पर लौटने के लिए लंबी यात्रा नहीं करें। वे लॉकडाउन समाप्ति के पश्चात ही मुख्यालय के लिए रवाना होंगे। PTET के आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल सीकर। PTET के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है। PTET के जिला समन्वयक प्रोफेसर महेश गिठाला ने बताया कि परीक्षा का आयोजन गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी डूंगर कॉलेज बीकानेर करवा रहा है। इस परीक्षा के तहत 2 वर्षीय BEd कोर्स और 4 वर्षीय BA, BEd, BSc, BEd कोर्स करवाया जाता है।
संस्कृत शिक्षा में भी छात्रों को प्रमोट करने के आदेश जारी। जयपुर, सामान्य शिक्षा के बाद अब संस्कृत शिक्षा में भी विद्यार्थियों को प्रमोट करने के आदेश जारी किए हैं। संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बताया कि संस्कृत कक्षा शिक्षा के कक्षा 1 से 9 एवं कनिष्ठ उपाध्याय में नियमित अध्ययनरत छात्रों को कक्षा क्रमोन्नति प्रावधान के अनुसार सत्र 2019-20 हेतु एक बारी शिथिलता प्रदान की गई है। जेई मेन एवं नीट यूजी आवेदन में त्रुटि सुधार की कल अंतिम तिथि। कोटा, स्कूलों में नियमित हो हैंड वॉशिंग डे। शिक्षाविदों की राय, बच्चों का भविष्य होगा सुरक्षित। उपयोगी एवं सकारात्मक कदम। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन सिंह राठौड़ के अनुसार हैंड वॉशिंग डे वर्ष में एक बार प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाता है, लेकिन विद्यार्थियों को प्रतिदिन हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाए तो वे उपयोगी एवं सकारात्मक कदम होगा। आदत में हो शुमार, पाठ्यक्रम का बने अंग। सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मुताबिक व्यक्तिगत स्वच्छता को पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाना चाहिए। बच्चों में बीमारी का 50% कारण व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी ही है। रोडवेज कर्मियों का महंगाई भत्ता 10% बढ़ा। जयपुर, छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार 1 मार्च 2020 से नगद एवं जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक 8 माह की अवधि के लिए आदेश के बाद जारी किए जाएंगे। कोरोना से बचाव में लगे PEO बरत रहे हैं ड्यूटी में लापरवाही। पंचायत क्षेत्र में आपदा से बचाव व राहत कार्य हो रहे हैं प्रभावित। पुष्कर, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व राहत कार्य में नियुक्त पिसांगण ब्लॉक के PEO संस्था प्रधान व अधीनस्थ स्टाफ ड्यूटी में लापरवाही बरत रहे हैं। आलम यह है कि अधिकांश PEO व स्टाफ मुख्यालय पर रहने की जगह अपने अपने घरों से अप डाउन कर रहे हैं। इससे पंचायत क्षेत्र में आपदा से बचाव व राहत कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नंद किशोर शर्मा ने पिसांगण ब्लॉक के सभी PEO को मुख्यालय पर उपस्थित रहने के आदेश जारी किए हैं। यानी अब सभी PEO को अपने अपने मुख्यालयों पर ही रहना होगा। इसके अलावा उन्होंने अधीनस्थ शिक्षकों की होम आइसोलेशन की ड्यूटी लगाने में भेदभाव करने पर नाराजगी जताते हुए ब्लॉक के सभी PEO को समान रूप से सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देशित किया है। COVID-19 विद्यार्थियों के लिए युक्ति लॉन्च हुई नई दिल्ली। केंद्र ने युक्ति यानी यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज के नाम से नया पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल से विद्यार्थियों को चुनौतियों का समाधान सुझाने व शारीरिक और मानसिक फिटनेस में मदद मिलेगी। शिक्षकों के घर पर पहुंचेगी बोर्ड की कॉपियां। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने DEO माध्यमिक मुख्यालय को दिए निर्देश। 30 बंडल रोज होंगे वितरित। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों के 30 बंडल प्रतिदिन शिक्षा विभाग की ओर से वितरण किए जाएंगे। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्र में सेवारत शिक्षकों से भी कॉपियों को जंचवाने कार्य किया जा सकता है। एक बंडल जमा होने के बाद संबंधित शिक्षकों को दूसरा बंडल दे जाने की प्रक्रिया पूरी होगी। लॉकडाउन एडवाइजरी के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से इन्हें जंचवाने के लिए निर्देश मिले हैं। सोशल डिस्टेंस की प्रोसेस इसमें अपनाई जाएगी। जिला प्रशासन से परमिशन मिलने के बाद संबंधित शिक्षकों के घरों पर कॉपियां भिजवाने की प्रक्रिया होगी। सोमवार को स्क्रूटनी के बाद मंगलवार को शिक्षकों के घर पर इन्हें पहुंचाने की प्रक्रिया होगी। गंगाधर मीणा DEO माध्यमिक मुख्यालय। PPF सुकन्या समृद्धि में 30 जून तक राहत। लॉकडाउन के कारण वित्त मंत्रालय ने PPF और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में वर्ष 2019-20 के लिए न्यूनतम राशि जमा कराने के लिए 3 माह की राहत दे दी है। अब 30 जून तक इन खातों में न्यूनतम राशि जमा कराई जा सकेगी। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन स्टडी में कनेक्टिविटी का लॉकडाउन। ग्रुप से जुड़े स्टूडेंट्स का डेटाबेस तक नहीं। आज से शुरू होगा स्माइल। निदेशालय का तर्क, हमारा फोकस स्टडी शुरू करने पर, मॉनिटरिंग बाद में होती रहेगी। प्राथमिक उच्च माध्यमिक एवं प्रमोट 5वीं व 8वीं के छात्र भी रह सकते हैं वंचित। निदेशालय ने शनिवार को ही 10वीं 12वीं बोर्ड कक्षाओं के अलावा सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रमोट कर ई कंटेंट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। लेकिन प्राथमिक स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल में से प्रमोट हुए विद्यार्थियों को नई स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जोड़ा गया है। ऐसे में प्रमोट होने के बाद भी राज्य के करीब 49,925 स्कूलों के 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में कंटेंट उपलब्ध होने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि उदयपुर ज़िले में 3,127 स्कूल के विद्यार्थी प्रभावित होंगे। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वेब पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में एक वेब पोर्टल युक्ति यंग इंडिया कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को लॉन्च किया। जिले के 1.5 लाख बच्चे बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में होंगे प्रमोट। स्कूल खुलते ही कर्मोन्नति प्रमाण पत्र होगा जारी।
विद्यालयों में आवागमन मूल्यांकन व कक्षा शिक्षण आगामी आदेशों तक स्थगित है, इसलिए संस्था प्रधान अध्यापकों को आदेशित करे कि वे विद्यार्थियों को अगली कक्षा की पढ़ाई शुरू करवाए। इससे करीब 1.45 लाख विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, जिसमें कक्षा 9वीं के करीब 34,000, 11वीं के 32,000 तथा शेष कक्षाओं के विद्यार्थी हैं। समान परीक्षा संयोजक दिनेश सिंह ने बताया कि अगली कक्षाओं में क्रमोन्नति समग्र मूल्यांकन के आधार पर होगी। सुखाड़िया विश्वविद्यालय UGPG की शेष परीक्षाएं जून में होगी, मेरिट के आधार पर मिलेगा PG में प्रवेश। विश्वविद्यालय कॉलेज में 16 अप्रैल से 31 मई तक अवकाश। उदयपुर, लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय पर लौटने के लिए लंबी यात्राएं नहीं, शिक्षा मंत्री के निर्देश पर जारी हुए आदेश। जयपुर, जिला कलेक्टर को प्रेषित करेंगे सूचना। शिक्षक वेलनेस सेंटरों में खेलकूद, मेडिटेशन, योग और भजनों से कर रहे हैं मरीजों का मनोरंजन। गंगाणी में सुबह 5:30 बजे उठकर कर रहे हैं योग। जिले के सरकारी स्कूलों में खोले 250 वेलनेस सेंटरों में कोरोना संदिग्धों का मन बहलाने के लिए PEO चला रहे हैं अभियान। कई संदिग्ध सामान्य ज्ञान बढ़ा रहे तो कई पेड़ पौधों की देखभाल सीख रहे हैं। जोधपुर, राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगाणी सेंटर में करीब 10 संदिग्ध हैं, इसके लिए रोजाना अलग अलग कक्षाएं लगती है। PEO कमलेश तिवारी व मास्टर ट्रेनर सोहन सिंह गहलोत सुबह 5:30 से 7 बजे योग व मेडिटेशन क्लास लगाते हैं। योग कक्षा की शुरुआत सुबह स्कूल की तरह प्रार्थना से होती है। सभी माँ सरस्वती की प्रार्थना करने के बाद समाचार पत्रों का वाचन और फिर स्वच्छता अभियान के तहत ग्राउंड व कक्षाओं की सफाई करते हैं। शाम को भजनों की भी व्यवस्था है। लबेरा कला में हो रही खेलकूद प्रतियोगिता। कांकाणी में दी पेड़ों की जिम्मेदारी। बेरडों में प्रोजेक्टर पर दिखा रहे रामायण। पिपरली में मेडिटेशन से स्वस्थ हो रहे संदिग्ध। 16 से 31 मई तक प्रदेश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में अवकाश। कमेटी ने सौंपी उच्च शिक्षा मंत्री को रिपोर्ट। सरकार ने लिया फैसला। सुविधाओं के अनुसार जून माह में होंगे सभी एग्जाम। परीक्षाओं का शीघ्र आयोजन संभव नहीं। COVID-19 के प्रकोप को देखते हुए स्थगित परीक्षाओं का शीघ्र आयोजन संभव नहीं है। 1-2 माह तक स्थिति का आकलन किए जाने की आवश्यकता है। अतः विराम की इस अवधि में 16 अप्रैल 2020 से 31 मई 2020 तक समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय महाविद्यालयों में ग्रीष्मावकाश घोषित किया जाता है तथा विश्वविद्यालय के संबंध में कमेटी की रिपोर्ट एवं राज्य सरकार की अनुशंसा कुलाधिपति को प्रेषित कर दी गई। देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने की तैयारी। मोदी सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर बनाई रणनीति। अब चरणबद्ध ढंग से बढ़ाएंगे कदम। आजीविका और अर्थव्यवस्था को भी बचाना चाहती है सरकार। ग्रीन जोन 400 जिले जहां एक भी मामला नहीं। सूत्रों के अनुसार 400 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का कोई मामला नहीं है, इसे ग्रीन जोन माना जाएगा। वहीं रेड जोन में 75 जिलों को शामिल किया जाएगा जहां अधिक मामले हैं। बाकी जिले जहां कम मामले सामने आए हैं वे ऑरेंज जोन कहलाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इस वर्गीकरण के अनुसार ही गतिविधियों की अनुमति होगी। हालांकि मुख्यमंत्री राज्यों के बीच यातायात शुरू करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन ग्रीन जोन में खेती, मजदूरी, लघु व सूक्ष्म उद्योग तथा शराब की दुकानें खोली जा सकती है। स्कूल कॉलेज सभी जगह रहेंगे बंद। ऑरेंज जोन में नियंत्रित संख्या में जन यातायात शुरू हो सकता है, जबकि रेड जोन में अभी की तरह पूरी तरह से लॉकडाउन रखने की बात है। लॉकडाउन के दौरान स्कूल कॉलेज सभी जगह बंद रहेंगे। हवाई यात्रा, रेल और बस सेवा पर भी रोक जारी रहने की बात है। मोदी सरकार लॉकडाउन के विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी। राज्य सरकारें सीमित ट्रांसपोर्ट चलाने पर विचार कर सकती है। जिलों या शहरों में ट्रांसपोर्ट का परिचालन हो सकता है, लेकिन फिलहाल इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट की अनुमति नहीं होगी। केंद्र के कर्मचारी आज से लौटेंगे काम पर। कोरोना ड्यूटी में लगे कर्मचारी की मृत्यु पर राज्य सरकार देगी 50 लाख रुपए। धौलपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के कोरोना अभियान से संबंधित ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना संक्रमण की वजह से असामयिक मृत्यु होने पर संबंधित कर्मचारी के परिवार को 50 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। यह राशि राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के अंतर्गत देय राशि 20 लाख रुपये के अतिरिक्त होगी। शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश संघर्ष समिति संयोजक यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि भारत सरकार ने कोरोना महाप्रकोप में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर केवल स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख रुपये का बीमा करने की घोषणा की गई थी। बच्चों को अध्ययन के लिए विभाग रोज भेजेगा वीडियो। अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी घर बैठे ई कंटेंट के तहत करेंगे रोजाना पढ़ाई, ताकि लगातार हो सके पढ़ाई। रोजाना विभिन्न विषयों के 4-5 वीडियो होंगे शेयर। 3 अलग अलग कैटेगरी के वीडियो आएंगे ग्रुप में। 15 उद्योग खुलेंगे, ग्रीन जोन में बाजार भी। लॉकडाउन बढ़ेगा लेकिन आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के 3 मानक होंगे, रेड, ऑरेंज व ग्रीन। टेक्सटाइल निर्माण, जेम्स ज्वेलरी में भी काम होगा।
टेक्सटाइल ऑटो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में एक शिफ्ट में काम शुरू होगा, लेकिन कर्मचारियों की संख्या 25 से 30% तक ही होगी। MSME में कम कर्मचारियों के साथ काम होगा। हाउसिंग और निर्माण क्षेत्रों में काम शुरू होगा। सीमेंट कंपनियों में डिमांड बढ़ने पर 3 शिफ्टों में भी काम संभव। जेम्स एंड ज्वेलरी यूनिट्स में काम शुरू किया जा सकता है। परिवहन रेड और ऑरेंज जोन में नहीं, उड़ान सेवा सिर्फ चुनिंदा देशों के लिए। हॉस्पिटैलिटी सिर्फ ग्रीन जोन में शुरू। 30 अप्रैल तक जनधन खातों से नहीं निकाल सकेंगे पैसा, करौली। कलेक्टर डॉक्टर मोहनलाल यादव ने निर्देश जारी किए हैं कि 30 अप्रैल तक किसी भी बैंक व बैंक मित्र से जनधन के खातों से कोई भी पैसा आहरण नहीं किया जा सकेगा। कलेक्टर डॉक्टर यादव ने बताया कि जिला मुख्यालय सहित सभी उपखंडों में बैंक छोटी छोटी गलियों में स्थित हैं। इन बैंकों में लगभग 50,000 से अधिक जनधन खाते हैं, जिनमें केंद्र सरकार द्वारा 500-500 रुपये की राशि डाली गई है, जिन्हें निकालने के लिए बैंक व बैंक मित्रों के सामने भीड़ जमा हो रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंस के मापदंडों की पालना संभव नहीं है। जबकि कोरोना महामारी से बचने के लोगों को घरों से ही नहीं निकलने, सोशल डिस्टेंस की पालना करने के निर्देश जारी किए हैं। मसूदा में PEO ने घर बैठे गठित कर दी कोरोना कोर कमेटी। मसूदा COVID-19 से लड़ने के लिए सरकार एडी छोटी का जोर लगा रही है, जिसके लिए प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा विभाग जी जान से जुटे हुए हैं। कोरोना वायरस संदिग्धों को होम आइसोलेट किया गया है। उनकी निगरानी एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए चिकित्सा विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग के शिक्षकों को लगा रखा है एवं प्रत्येक पंचायतवार PEO को मुखिया बना रखा है। कोरोना वॉरियर्स के लिए बनाया कोरोना बॉट। वायरस व मोबाइल ऐप से होगा कंट्रोल। 20 फीट की दूरी में भी करेगा कार्य। जोधपुर कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए जोधपुर के एंटरप्रेन्योर राघव शर्मा ने एक रोबोट का प्रोटोटाइप तैयार किया है, जो डॉक्टर व नर्सिंग कर्मियों के लिए मददगार साबित होने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना पैटर्न्स का भी ध्यान रखा जा सकता है। राघव ने बेंगलुरु में रहने वाले अपने सॉफ्टवेयर मित्र इंजीनियर नारायण जांगिड़ के साथ चर्चा कर वॉइस कंट्रोल मोबाइल ऑपरेटेड बोट कोरोना बोट का प्रोटोटाइप और बोट जोधपुर में अपने घर पर ही तैयार किया। इसमें वॉइस कंट्रोल मॉड्यूल विथ मोबाइल ऑपरेशन का यूज़ किया गया है। मोबाइल में ऐप से कंट्रोल होने के बाद करीब 20 फीट की दूरी से भी कमांड लेकर उनके अनुसार अगर प्रशासन रोबोट कार्य करे। लॉकडाउन में करना पड़ा चुनौतियों का सामना। मिड डे मील योजना में बचा गेहूं व चावल जरूरतमंदों को देंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाएंगे सूची, सौंपी जिम्मेदारी, सिकराए। केंद्रीय बोर्ड के छात्र पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अन्य विषयों में सबसे अधिक उपयोगी, इसलिए सिलेबस में एक नए इलेक्टिव को जोड़ा है। हर क्षेत्र में काम आने वाला मैथ दूसरे विषयों में सबसे ज़्यादा है उपयोगी। CBSE नोटिफिकेशन जारी कहा है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे जाकर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सोशल साइंस और दूसरे फील्ड में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। ऐसा देखा गया है कि मैथमेटिक्स का मौजूद सिलेबस साइंस के साथ बखूबी देखा जाता है, इसलिए मैथमेटिक्स सिलेबस में एक और इलेक्टिव जोड़ा है। CBSE ने कक्षा पहली से 8वीं, 9वीं व 11वीं के छात्रों को प्रमोट करने जा रहा है, जबकि 12वीं बोर्ड की 8 पेपर जैसे बिजनेस स्टडी, ज्योग्राफी, हिंदी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन के बाकी हैं। वहीं 10वीं में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन की परीक्षाएँ भी शेष है। तो ये थी दोस्तों आज के मुख्य शैक्षिक समाचार, और हम मिलेंगे कल आपसे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारे इस चैनल के बारे में कुछ कहना है या अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन हमें देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें कह सकते हैं। और इसी के साथ मैं नीलम आपसे विदा लेती हूँ आज इस वीडियो के साथ। और गुड बाय, टेक केयर, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए।